प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र में कॉलेज जा रही एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी उसे जबरन गाड़ी से उतार कर अपने साथ ले गए और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पीड़ित छात्रा से मिलने पहुंचे फूलपुर सांसद ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, वहां पर लगातार लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। कि लगभग 11 बजे की घटना बताई जा रही है। पुलिस को रात में शिकायत मिली, उसमें तीन लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा गैंगरेप लूट और अन्य चीज़ों का लिखा गया धाराओं में, और इसमें मुकदमा पंजीकृत करने के बाद विवेचना की गई। उसमें एक अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पीड़िता की एक चेन भी बरामद हुई है। बाकी दो अभियुक्तों के यहाँ भी दबिश दी गई, वो फरार हैं, उनकी तलाश जारी है।